पढ़ रही हूँ। आज आपको संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ। संज्ञा जो शब्द किसी जाति, व्यक्ति, स्थान या हाल का उपयोग करने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, प्रीता खेल रही है, यहाँ प्रीता संज्ञा है क्योंकि वह नाम के बारे में बोध कर रहा है। पहले संज्ञा संज्ञा है। पहला जातिवाचक संज्ञा, उदाहरण, लड़का नाच रहा है, यह लड़का जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। जो शब्द द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध करता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या उदाहरण, स्वच्छ जल पीना चाहिए, इसमें जल द्रव्यवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा, और यह समुदायवाचक संज्ञा है। शब्द समूह या समुदाय का बोध करता है।